Hello students, today we are going to study about pharmacology. What pharmacology is? Pharmacology is basically science which deals with the study of drug. Right? Study of drugs. अब ये बना किससे है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन डोज देते हैं तब तो हमारे जो है वो ड्रग एक्ट करेगा, हमारा केमिकल जो कंपाउंड है, लेकिन अगर हम उसी की डोज को ज्यादा ले लेते हैं, ओवरडोज अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा हमारी बॉडी में. ठीक है, फार्माकॉन विच मींस ड्रग और पॉइजन. एंड ओलॉजी, ओलॉजी मींस डिस्कोर्स, लोगोस. डिस्कोर्स मतलब हमारी बॉडी में जाकर उसने क्या इफेक्ट दिया. ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम फार्माकोलॉजी में, स्टडी कर रहे हैं ड्रग्स की और क्या हमारी ड्रग बॉडी में जाकर कर रही है. ठीक है, दो मेजर डिसिप्लिन्स आएंगे आगे हमारे पास इसके, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स. आगे हम उसको करेंगे फर्दर स्टडी. एक का मतलब होगा कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, डायनेमिक्स मींस व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, एंड काइनेटिक्स मींस कि हमारी बॉडी में जब ड्रग जाती है तो उसके साथ क्या होता है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो सब होने के बाद क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी के ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास क्या क्या कवर करेगा हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट. इट कवर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, सोर्स, कहां से हमारी ड्रग आई है, इट्स फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ADME, that is absorption, distribution, metabolism and excretion. इन सब चीजों के साथ क्या है हमारी फार्माकोलॉजी जो है वो डील करती है. राइट, बेसिकली ये सब चीजें जो है हमारी फार्माकोलॉजी में आती है. अब उसके बाद हमारे पास आता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है हमारे पास. इसमें हमारे पास वेरियस डिसिप्लिन आ जाएंगे फार्माकोलॉजी के, जो जो हमारे पास डिसिप्लिन हैं जिन जिनमें हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, अब स्कोप में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा वही फार्माकोडायनेमिक्स,